नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पाषाण काल से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है आज का, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग के त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ये यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा थॉमसन के द्वारा। विद्यार्थियों, आपने सुना होगा डेनमार्क का जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर, कोपेनहेगन संग्रहालय है कहाँ पर, डेनमार्क में, तो उसके आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीय विभाजन 1820 में किया गया। कब किया गया था? 1820 में किया गया था। और एक पुरातात्विक थे जिनका नाम था थॉमसन। पूरा नाम पूछा जाए तो क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन इनका पूरा नाम था। विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखिएगा। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में या ऊपरी एम पाषाण काल में, और डी विकल्प दे रखा है मध्य पाषाण काल में। तो विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मध्य पाषाण काल में जाएगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लग जाते हैं विद्यार्थियों। और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में जो कहां पर मिले, तो भारत में मिले वो आदमगढ़ में। कहां पर? आदमगढ़ में मिले। आदमगढ़ पड़ता है विद्यार्थी एमपी में, एमपी का जो होशंगाबाद है वहां पर, ठीक है। उसके अलावा ऐसे और अवशेष कहां मिले हैं? बागोर में। और बागोर विद्यार्थियों भीलवाड़ा वाला, बागोर भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में स्थित है, यहां पर भी प्राप्त हुए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आपको ये बताना है कि हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं। चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं, चौपनी मांडो से, काकोरिया से, और महदा से, और सराय नहर राय से। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, महदा से। विद्यार्थियों, मध्य पाषाण काल लीन जो महदा है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है ये? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यहां से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा का नाम आपने सुना ही होगा, तो जी आर शर्मा किसके द्वारा? जी आर शर्मा। तो जी आर शर्मा ने महदा में तीन क्षेत्रों का उल्लेख कर किया है, झील क्षेत्र का, बुचड़खाना क्षेत्र का और संकुल क्षेत्र का, और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। और डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई विद्यार्थियों, पुरातत्व विमर्श। कौन सी लिखी गई? पुरातत्व विमर्श। उसमें भी विद्यार्थियों इनके बारे में उल्लेख किया गया है, महदा, सराय नहर राय, दमदमा, इन तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने के उल्लेख इसने किया है। तो इनका नाम भी याद रखना, डॉक्टर जयनारायण पांडे का भी। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थी, उसको देखिएगा कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहां पर हुई थी, कब हुई थी। ये लिखा हुआ चार विकल्प, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो विद्यार्थी, इसका राइट आंसर जाएगा ए, क्या जाएगा? नवपाषाणिक काल में राइट आंसर चला जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है। तो नीलगिरी की पहाड़िया, शिवालिक पहाड़िया और नल्ला माला की पहाड़िया या नर्मदा घाटी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा नर्मदा घाटी जाएगा। विद्यार्थियों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है एमपी के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, और इसकी खोज जो हुई थी 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। विद्यार्थी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो आपको क्या जवाब देना है? जो, क्या जाएगा राइट आंसर? जो चला जाएगा, सी राइट आंसर है उसका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से या मुंडी काक से। तो इस विकल्प के अनुसार इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? मेहरगढ़ चला जाएगा। विद्यार्थियों, कौन सा चला जाएगा? मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या लौह युग को।
तो आपके सामने चार विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा ताम्रपाषाण युग, क्योंकि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए हैं विद्यार्थियों, उनको चालकोलिथिक युग कहा गया है और उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। जानना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, आमरी, मेहरगढ़, कालीबंगा या कोट दीजिए। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ विद्यार्थियों वर्तमान में पाकिस्तान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है ये पुरा स्थल, और पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा जो सभ्यता थी वहां तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है मेहरगढ़ विद्यार्थियों, क्योंकि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको मेहरगढ़ के बारे में उल्लेख मिलेगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी देखिएगा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया, जो नवदा टोली का जो उद्घाटन उत्खनन किया विद्यार्थियों वो किसके द्वारा किया गया था, वो तो एच डी साकलिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एच डी साकलिया के द्वारा किया गया था। ये नाम याद रखना एच डी साकलिया का। अगला प्रश्न है कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में और मंदिर के रूप में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, नोटा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थी वो जाएगा बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का देखिएगा, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। चार विकल्प आपके सामने दिखे हुए, बुद्धिहाल, संगन कल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। तो 19वें का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, संगन कल्लू विद्यार्थियों। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नव पाषाणिक कालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए विद्यार्थियों, और पीकली हल में भी राग के टीले मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पीकली हल अगर विकल्प में होता तो पीकली हल भी आपका राइट जा सकता था। और ये राग के टीले नव पाषाण युगीन पशुपालक समुदाय की मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष, ध्यान रखना। और यूपीपीएस मेंस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों गुफाओं के शैलचित्र के बारे में जाएगा। भीमबेटका का नाम आपने सुना ही है, वहां पे चट्टानी शरण स्थल है जो भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ध्यान रखना। और यूनेस्को के द्वारा भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है, और इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें जैसे हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र है। और अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। कितनों की जा चुकी है? 700 की जा चुकी है, जिसमें 243 भीमबेटका समूह में है, और तथा यहाँ 178 लाखा जुआरा समूह भी स्थित है विद्यार्थियों। तो यहां से हमेशा प्रश्न बनता ही बनता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस शिला शरीर से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये अभी अब बताया मैंने आपको, घगरिया, भीमबेटका, लेखाइया या आदमगढ़। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा विद्यार्थियों, भीमबेटका। अभी बताया मैंने भीमबेटका के बारे में आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और ये तो पता नहीं कौन कौन सी एग्जाम में आ चुका, बहुत सारी एग्जामों में आ चुका बार बार, अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों भीमबेटका। क्या जाएगा? भीमबेटका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये भी इससे रिलेटेड ही है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल में, पचमढ़ी में, सिंगरौली में या अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो 29 का जो राइट आंसर जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहां पर है? अब्दुल्लागंज रायसेन में विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गेरिक मृदभान पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नौहों में या लाल किले में। तो कहां पर इनका नामकरण किया गया था विद्यार्थियों? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हस्तिनापुर में। क्या जाएगा? हस्तिनापुर में।
गंगा यमुना दोआब की जो सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मर्दभांड के नमूनों के कारण गेरुवर्णी गेरिक मर्दभांड संस्कृति या ओसीपी, क्या विद्यार्थियों ओसीपी कहा गया। इसके साक्ष्य विशेषतः कहाँ मिले, हस्तिनापुर में और अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ अंतरजी खेड़ा तो विकल्प में ही नहीं, हस्तिनापुर है, तो हस्तिनापुर हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी समाधान से प्राप्त हुआ है, कौन से स्थान से, तो भरमगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मास्की। इस प्रकार चार विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, बुर्जहोम चला जाएगा विद्यार्थियों। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी समाधान प्राप्त हुए। यहाँ से गर्तावास यानी कि गड्ढों वाले घर भी यहाँ भी प्रमुख विशेषता रही है। पूरा स्थल खोज 1935 में डी टेरा एम पीटरसन ने की थी विद्यार्थियों, 1935 में किसके द्वारा की गई थी, डी टेरा और पीटरसन के द्वारा की गई थी। हालांकि कई पुरातत्वविद जिन्होंने यहाँ पर खोज की ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका नाम मुख्य रूप से आता है। अब देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न दिखा हुआ है यहाँ पे, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, कोल्डी हवा से, भ्रमगिरी से और संगन कल्लू से। तो 28 का जो राइट आंसर जाएगा वो बुर्जहोम जाएगा विद्यार्थियों। अभी बताया आपको इसके बारे में कि यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, उसके अलावा जो मानव का कंकाल है उसके साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में मिला है, तो इसलिए भी बुर्जहोम जम्मू कश्मीर वाला प्रसिद्ध है, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय हैं विद्यार्थियों। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ए जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है विद्यार्थियों। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या विद्यार्थियों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में ASI भी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं इसको, और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिगम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था विद्यार्थियों, और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। और जब लॉर्ड कर्जन के समय की बात है, लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत हुआ, और जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो इसका प्रथम महानिदेशक किसको बनाया गया था विद्यार्थियों, जॉन मार्शल को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है। चार विकल्प दिए हैं, गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल और चेन्नई। तो राइट आंसर जाएगा भोपाल, MP में। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम चेंज कर दिया गया विद्यार्थियों, इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, और ये पड़ता है भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन के रूप में कार्य करता है विद्यार्थियों। इस प्रकार आज के जो प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर जो प्रश्नोत्तरी है वो कंप्लीट हो जाती है विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्राचीन भारत के प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। हम क्रम से चल रहे हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पाषाण काल से रिलेटेड जो प्रश्न बन चुके हैं आज तक गत प्रतियोगी परीक्षाओं में, वहां से लेके आया हूँ मैं आपके लिए सारे प्रश्न। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लेके आ जाएंगे, वैदिक सभ्यता के लेके आ जाएंगे, मौर्य काल, गुप्त काल, ऐसे पहले प्राचीन भारत को हम कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के भी हमने प्रश्नोत्तरी चालू कर दी है, सभी विषयों की प्रश्नोत्तरी आपको मिलेगी और टॉपिक वाइज और मिलेगी। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।